अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की जो वीडियो है मैं बताऊंगी कि आपने हिस्टोलॉजी जो है एनेटमी उसमें किस कौन सी डायग्राम जो है वो करनी है, यानी कि कौन से डायग्राम्स जो है इंपॉर्टेंट है प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा कि आपका प्रॉफ जो है वो आने वाला है, बहुत से बच्चों ने कहा था कि मैं जल्दी से बता दें क्योंकि वीडियो बना के मैं ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपने भी तैयारी करनी होगी। मैं जल्दी जल्दी आपको जो है बता देती हूँ कि कौन कौन सी डायग्राम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आपने पूरी हिस्टोलॉजी से करनी है, स्पेशली वीडियोस फर्स्ट ईयर जो है, और जो हमारे पास MBBS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनका सिर्फ सिलेबस डिफरेंट है लेकिन चीज़ें जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डायग्राम्स जो है उनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट ईयर MBBS जो है उसमें स्पेशल हिस्ट्रो है नहीं है, फर्स्ट ईयर में सॉरी जनरल हिस्ट्रो है और MBBS सेकंड ईयर में जो है वो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मार्क कर लीजिएगा, जो मैं बताऊँगी वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट DPT फार्मेसी वगैरह भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है जो एपिथीलियम है चैप्टर नंबर 1, इसमें ये जो डायग्राम्स हैं इस सारी की सारी डायग्राम्स आपने करनी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम की डेफिनेशन है, इसके आपको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने चाहिए और इनकी आपने लेबलिंग भी करनी होती है। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये लेबलिंग की हुई है इस तरह से भी आप कर दें तो इनफ होती है। ठीक है, इसके नीचे वाली लेयर जो है ये तो आपको सबको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू है, वेसल्स, आर्टरीज वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं। ऊपर वाली जो इसकी लेयर होती है वो कोबाइडल होती है, उसके ऊपर वाली पॉलीगोन होती है। ठीक है, और ये कौन सी अम्ब्रेला लाइक है, और ये MCQ में भी पूछी जाती है किसकी जो ऊपर वाली लेयर है कौन सी होती है, तो अम्ब्रेला लाइक होती है, ज़्यादा आपने पढ़ा होगा तो उसमें हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैंने मेमोरीज वगैरह बनाई हुई है सारी चीज़ें मैंने शॉर्टकट में लिखी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं वीडियो बना के मतलब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूँ तो वो भी मैं आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बता दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, जल्दी से आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेंगे जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई होंगी, तो इंशाल्लाह आपके उससे ही MCQ जो है वो साफ हो जाएंगे। ठीक है, सो आपने मुझे बता देना, दिन मैं जो है ये अपलोड कर दूँगी वीडियो। ठीक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है थायराइड ग्लैंड, इसकी वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स याद करने। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोजा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बस आपने एक दफा देख लेना। स्किन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रेटिफाइड से क्विमस कटेनाइज एपिथीलियम और नॉन कटेनाइज एपिथीलियम इसके बारे में पूछा जाता है, इसकी आपने लेबलिंग के साथ इसको करनी है। जो आपकी हिस्टो की बुक आ जाती है, प्रैक्टिकल कॉपी आ जाती है ना, वहाँ पर आपने बनाई होती है। ठीक है, कॉलेज में जो आपने बुक्स बनाई है आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं, लेकिन ये जो लेबलिंग की कलरिंग है यानी कि वो आपने हिस्टो पेंसिल से ही करनी होती है, बुक के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद यूनरी ब्लैडर इसकी इतनी नहीं पूछी जाती है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की जो पूछी जाएगी आपने आपसे तो वो आपने मोस्टली यही बनानी होती है। ठीक है, उसके बाद एक और ये जो चीज़ लिखी होती है ना नीचे, ठीक है, डायग्राम के नीचे जो लिखी होती है इसको आपने पढ़ लेना होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें पूछा जाता है। यानी कि अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि ब्लैडर माइकोसा के अकॉर्डिंगली लाइन करके बताएं ट्रांजिशनल एपिथीलियम की, तो फिर आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रैकिया की आ जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ट्रैकिया की, आप जो वो कुछ यहाँ पर अगर मुश्किल आप उला रही हैं तो आप उसको जो है गूगल वगैरह से देख सकते हैं, या जो उनसे आपके पास हिस्टोकॉपी पे हैं वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटिफाइज प्लमर एपिथीलियम की है, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम की है। ठीक है, विद देन एग्जाम्पल्स, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स आपने देख लेंगे किस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछी हुई है। ठीक है, उसके बाद देन ये वाली जो है हमारे पास टेंशन वगैरह जो आ जाते हैं डोमेन्स, इनको बस एक दफ़ा देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से बस वो एपिथीलियम्स की तीन चार डायग्राम्स जो है वो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ये जो ग्लैंड्स लिखे हैं इनमें से अपने ये देख लेनी है। ठीक है, ये बाकी इतनी नहीं पूछी जाती, इसमें से कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू में से दैन रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसकी ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट सारी चीज़ें जो इसकी वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाता है, इसमें से अपनी ये वाली डायग्राम देख लेनी है। ठीक है, और ये जो वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन के दोनों जो है ये आपने देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लेबलिंग भी आपने साफ करनी है। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो मैंने आपको वीडियो में मार्किंग बताई थी कि कौन से चैप्टर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने कहा था ये तीनों के तीनों डायग्राम्स जो है आपने अच्छे तरीके से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आने चाहिए, डायग्राम्स आने चाहिए, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, बस आपने ये तीन डायग्राम्स, ठीक है, ये आपने जरूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो जरूर मुझे लगता है कि आ जाएगी इस साल। ठीक है, उसके बाद ये भी आ सकती है, ठीक है, वर्णन इनके लाल ड्रेस की आ सकती है, यानी कि आप देखना इसके ऊपर आपको कितनी मुश्किल से लग रही होगी, इसको आपने क्या करना है, अपने गूगल से अपनी जो हिस्ट्रो कॉपी है वहाँ से आपने इसको देख लेना, या जो शेयर की हुई है वीडियो डायग्राम्स आपने वहाँ से इनको देख लेना। ठीक है, और स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए बिल्कुल के साथ आपने करना है। उसके बाद ये ब्लड सेल की बस आपने ये वाली कर लेनी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, और ये चीज़ नहीं पूछी जाती, ब्लड की ज़्यादातर वही पूछी जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की और बोन की एंड एपिथीलियम की बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादातर जो ना वही और एपिथीलियम ट्रांजिशन जो सर्टिफाइड जो उसकी ज़्यादातर पूछी जाती है, और स्केलेटन मसल्स में से ये वाली डायग्राम्स जो है ये आपने करनी है। ठीक है, ये तीनों डायग्राम इनकी लेबलिंग, इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली डायग्राम कार्डिक मसल की डायग्राम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में से आपने ये वाली बस देख लेनी है, ये पूछी नहीं जाती, इसमें से ज़्यादातर ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है उनकी कभी कभी पूछी जाती है, ये जो है ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी, लेकिन ये मतलब अभी तक आई नहीं है पेपर में। ठीक है, उसके बाद न्यूरोक्लिया की पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, पेरिफेरल नर्व की पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये थ्री डिमेंशनल बस देख लेनी है, वैसे थ्री डिमेंशनल पूछी नहीं जाती, ये वाली ज़्यादातर जब वो आती है, उसके बाद सेंसरी गैंग्लियन इसकी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको देख लेना आपने। ठीक है, अगर मतलब आप एक दिन में 3 से 4 घंटे लगाए ना, अगर आपने पहले नहीं भी की तो 3 से 4 घंटे लगाए तो सारी डायग्राम्स आपकी हो जाती है, पहले आपने इंपॉर्टेंट करनी है, बाद में आपने जो है इंपॉर्टेंट उनको 1 घंटा देकर देख लेना। ठीक है, ये तीनों डायग्राम्स आपने करनी है,
ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड की वाली डायग्राम आपने करनी है। ठीक है, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से ये देख लिया, ये इसमें से आती है, ठीक है, इसमें से ये वाली आती है, ठीक है, मीडियम साइड आर्टरी, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली डायग्राम आपने देखनी है, ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भी आपने देख लेनी है एक दफ़ा। उसके बाद ये वाली, ठीक है, ये मस्कुलर आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली आपने शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली नहीं करनी है। एंड हमारे पास चैप्टर नंबर 14 आ जाता है। चैप्टर नंबर 14 में से आपसे जो पूछा जाता है वो ये वाली पूछी जाती है, ठीक है, लिम्फोइड नोड्यूल्स, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसके अपने आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ये और ये आपने करना है। थायमस कितनी हाथ नहीं पूछी जाती, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ईजी है, बस इसको आपने इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड, ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी देखनी भी हुई तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास से भी वही लिम्फ नोड, उन्होंने बार बार किया हुआ कुछ, उसको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ, कुछ थ्री डिमेंशनल दिखाया हुआ, ठीक है, तो उसने ये जो नीचे वाली लेबलिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने एक दफ़ा देखा है, ये वाली जो पहली बताई थी वो एक दफ़ा आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास तीन आ जाता है, सब तीन की MBBS में ज़्यादातर पूछी जाती है, उसमें ये वाली डायग्राम जो है वो बना होती है, ठीक है। पहला टाइम टॉन्सिल ये जो है वो MBBS में पूछी जाती है, सॉरी BDS में पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अच्छे तरीके से जो है वो बनानी। उसके बाद इंटीग्रमेंट्री सिस्टम आ जाता है, इसके अंदर ये सेल्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखते हैं। उसके बाद थिन स्किन एंड थिक स्किन, इसकी पूरी डायग्राम, इसकी लेबलिंग, इसकी आपको जो है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेयर फॉलिकल, ये जो एक तरफ आप देख लें, मेरे साथ स्किन दोनों इधर हम देख लें, स्वेट ग्लैंड वगैरह, ये स्किन के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है, इसके अंदर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनकी डायग्राम्स आपको होनी चाहिए, ठीक है। हमने शुरू में भी कुछ कर ली हुई है, ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी वो स्टार्ट वाले ट्रांजिशन में भी थे, उसके अंदर भी थी ट्रैकिया वगैरह, ठीक है, तो वो आपने कर लेंगे। थायराइड ग्लैंड की आई होप सो फर्स्ट अपने मेरी बनी हुई है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो BD हिस्टो है ना, सॉरी BD जो है हेड एंड नेक, उसके अंदर भी ये डायग्राम्स बनी हुई है, ठीक है, ग्लैंड वाले चैप्टर में, तो वहाँ से भी आप वो तीनों ग्लैंड की वहाँ से अपने डायग्राम्स आप करके एक दफ़ा यहाँ से इसको गोथ्रू कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से, और उसके भी हिस्टो पॉइंट्स लिखे, मगर वो भी अच्छे से याद कर लेते हैं, तो वो भी इनफ है, यहाँ से बस MCQ के लिए एक दफ़ा पढ़ना, ठीक है, ऐसे क्यों आप वहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी हेड एंड नेक वाली। उसके बाद ये वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें लेरेंस, ट्रैकिया, पेरेंट्स, ठीक है, लंग्स, इसकी ये डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम आपने करनी है, एल्वियोलाई वाली डायग्राम आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई डक्ट के चार पांच डायग्राम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, पांच डायग्राम्स आपने करनी है, ठीक है, ग्लैंड की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये वाली आ जाती है, टंग, टंग, पेपिलाई, सारी इंपॉर्टेंट है, टंग की, पेपिलाई की, ठीक है, ये आपने सारी करनी है, चारों की चारों, ये बस ये भी बल्कि इंपॉर्टेंट है, सारी पेपिलाई की है भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है स्टमक, स्टमक और एसोफेगस की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसोफेगस आपने ये पूरा करना है, एसोफेगस की डायग्राम आपने करनी है, ठीक है, ये वाली डायग्राम आपने करनी है। उसके बाद ये दोनों आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ द स्टमक, जो है ज़्यादातर MBBS में इंपॉर्टेंट है, BDS में इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद और BDS में जो है मोस्टली एक डायग्राम आती है और दो SCQs आते हैं, ठीक है, एक जनरल से और एक हिस्टो में, उसमें स्पेशलिस्ट, सॉरी, ठीक है, और जो MBBS है उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वो चाहे डायग्राम आ जाए चाहे स्टन आ, ठीक है, लेकिन MBBS में BDS जो उसमें से एक डायग्राम जो है वो जरूर करनी होती है 3 मार्क्स की, तो आपने वो 3 नंबर की जो है ना उसको अच्छे तरीके से देख लेना, अगर ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है BDS के लिए, MBBS के लिए जो है ना ड्यूरिनम की ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाली आपने देख लेनी है, म्यूकोसा और साफ म्यूकोसा वाली, ठीक है। उसके बाद ये अपेंडिक्स से इंपॉर्टेंट है, स्टमक की ज़्यादातर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये ग्लैंड्स के बारे में आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके डिफरेंसेज और डिफरेंसेस का साथ आपने डायग्राम्स जो है वो देख लेनी है, या आप लोगों ने ओरल हिस्ट्री में भी की होती है। उसके बाद प्रोटीन ग्लैंड की आ जाती है, ये वाली प्रोटीन ग्लैंड की आपने करनी है, जो मतलब आपने देख लिया प्रोटीन ग्लैंड की डायग्राम, जो आपको ईजी लगे वो आपने कर लेनी है। सब एंडिबुलर ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया, राइट एड्स ऑफ द ग्लैंड्स। उसके बाद पैंक्रियास, लीवर की भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डायग्राम कोई भी आपने देख लेंगे। उसके बाद देन हमारे पास गॉल ब्लैडर की जो है वो MBBS में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन हमारे पास ये यूरिनरी सिस्टम वगैरह आगे सारी आ जाती है, ये आगे MBBS की आ जाती हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस तरह से जो जो इंपॉर्टेंट है वो बस देख लेनी है, ठीक है। ग्लोमेरुलस की इंपॉर्टेंट है, MBBS में मोस्टली जो यूरिनरी सिस्टम की कोई एक डायग्राम आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरिनरी सिस्टम, ये जो यूरिनरी ब्लैडर वाली है, ये वाली डायग्राम आती है। उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से भी एक ही कोई डायग्राम आ जाती है, मेरी बहुत काम आती है, यूरिनरी जो है उसमें से आ जाती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में से आती है, इनमें से इतनी हाथ नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट वो एरिया में से भी एक आती है कभी कभी, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब वगैरह, इनके जो पास्ट पेपर में है ना मोस्टली उनको वही आ जाती है, ठीक है। MBBS जो है उसको भी पास्ट पेपर में से ही मोस्टली आती है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट वाली जो है उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कौन सी डायग्राम आ जाए, ठीक है। तो आपने जो जब पढ़ना शुरू करना है मतलब देखनी है, तो आप ये पहले लिख लें चीज़ें, जहाँ मैं भी आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। FB पेज पे भी, इंस्टा पेज पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने लिखी डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम सारी जितनी भी है ना मैंने आपको बताई, उनके आपने नाम लिख लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं टाइम तो बुक खोल लें भी और साथ इसको मार्क कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छी बात तो यही है कि आप अभी भी साथ साथ मार्क कर लें, ताकि आपको लिख के करना ना पड़े सारा कुछ, ठीक है।
तो आपने वो लिखना है कि लिरिंग्स की कौन कौन सी डायग्राम आपने लिरिंग्स की या एसोफेगस की, ठीक है, यानी कि डेंस का रेगुलेटरी कार्टिलेज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, इस तरह से जितनी भी है ना, एओर्टा की, आर्टरी की, मीडियम साइज आर्टरी, ठीक है, मस्कुलर आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज, कार्टिलेज तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम्स है ना, तकरीबन आपकी 20 तक डायग्राम बन जाती है, ठीक है, अगर सारी देखी जाए ना तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स 20 बन जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि एक दिन, अभी आपके पास टाइम है, आते हैं एक दिन में 5 कर लें, नेक्स्ट डे 5 कर लें, नेक्स्ट डे 5 कर लें, ठीक है, इस तरह से 6-6 करके कर लें। आप पहले भी तो की ही होंगी, 6-6 करके कर लें, साथ ही उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिख लें, साथ ही डायग्राम्स कर लें, और अगर आपके जो आपकी हिस्टोकॉपी है उसके ऊपर अगर आपने पहले बनाई हुई है इनके कॉलेज में, तो आप वही हिस्टोकॉपी वाली डायग्राम्स देखें, उधर ही आपके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी लिखे होंगे, वहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट शार्ट कर लें आपकी, ताकि एक डायग्राम जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए 3 मार्क्स की जो आपको आनी है, ठीक है। और बाकी ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो एक अक्सर जो है पास्ट पेपर में से आ जाता है, एक जो है वो कोई न्यू क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली इंशाल्लाह ताला इंपॉर्टेंट ही होता है, अपने दिमाग में जरूर जा सकते हैं, मुझे भी और खुद भी अपनी अच्छी मेहनत करनी है और उसको जो है वो देख लेना, ठीक है, कि किस तरह से अपने प्रिपेयर करना। आप सबको आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा, और पेपर अच्छे से लीजिएगा, और आप FB और इंस्टा पेज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे MCQs इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारी चीज़ें जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।